जय हिंद एवरीवन। भाई SSCGD का नया कैलेंडर जारी हो चुका है, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है मैं आपको सारी चीज़ें आसानी से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो इसके बारे में बहुत सारे भाइयों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहला नंबर तो इंडियन आर्मी की भर्ती जब से 4 साल की करा दी गई है ना, तब से सभी लोग सिर्फ SSCGD की तैयारी करने का सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये रियलिटी है भाई, क्योंकि SSCGD में BSF आता है, CRPF आता है, CISF आता है, ITBP आता है, SSB आता है, बहुत सारा ट्रेड आता है। और इंडियन आर्मी की जिस तरह वर्दी होती है ना, सेम मतलब इन लोगों का वर्दी भी वैसे ही होती है। तो हमें लगता है मतलब पहले जिस तरह इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे सर ना, सेम उसी तरह SSCGD की तैयारी करने में लग गया सर। तो भाई इसका डेट भी आ गया है, आप लोग खुद इसका डेट देख लो। और जो भाई कन्फ्यूजन में होगा कि भाई ये वाली भर्ती मतलब जैसे कितने पास से कराई जाती है, तो आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इंडियन आर्मी की भर्ती मतलब 10 पास से कराई जाती है ना SSCGD में, जैसे इंडियन आर्मी GD में और ट्रेडमैन में, सेम उसी तरह SSCGD में मतलब 10 पास से ऑनलाइन कराई जाती है, ठीक है ना। तो ये भर्ती भी 10 पास से ही होती है। इंडियन आर्मी की भर्ती होती है चाहे TA आर्मी की भर्ती होती है, तो इसमें सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है। लेकिन SSCGD की जब भर्ती कराई जाती है तो इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाता है। जब आपका पेपर निकल जाएगा तब आपका दौड़ कराया जाएगा, और इसमें 1600 मीटर दौड़ नहीं कराया जाएगा, इसमें 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाता है, ठीक है ना। मेरा SSC का कैलेंडर, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ऊपर लिखा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नीचे लिखा गया है टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर्स 2022-23। इसमें डेट जो लिखा गया है उसको आप लोग खुद देखो, ठीक है ना। यहाँ पर 14 नंबर पर है कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, CAPF, SSF एंड आसाम राइफल GD इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2022। इसकी भर्ती 2022 में ही होने वाली है, ठीक है ना। 10/12/2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट 19/1/2023 रहने वाला है। और इसका पेपर मार्च अप्रैल में, जैसे 2023 के मार्च अप्रैल में करा दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिख दिया गया है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो ऊपर देख लेना, जैसे मतलब सारा का सारा डेट दे दिया है। यहाँ क्लोजिंग डेट है, यहाँ जैसे किस मंथ में पेपर कराया जाएगा वो दे दिया है। और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, वहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ मिल जाएगी। इसका डेट तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग SSCGD की तैयारी अपने हिसाब से करना, ठीक है ना। और आप लोग अपने दिमाग में ये कभी भी नहीं लाना यार मेरा तो कभी सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, मुझे छोड़ देना चाहिए। भाई मेरा भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू तो बहुत सारा वीडियो बनाता है, तो वीडियो बनाते रह जाएगा, कभी भर्ती नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूँ, उन लोगों का बात सुनकर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ? ऐसा मैं कभी करूंगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे के बातों पर ध्यान ही नहीं देना है मेरे भाई। जब अगली बार SSCGD की भर्ती निकली थी ना, तो हमारे ग्राउंड से 50-60 लोग भर्ती जैसे ऑनलाइन कराए थे और पेपर देने गए थे, लेकिन निकला था सिर्फ 2 लोगों का। और 2 लोगों में जैसे एक भाई का नंबर थोड़ा ज़्यादा था और एक भाई का नंबर थोड़ा कम है, तो जिसका कम है ना उसका सिलेक्शन होने का चांस नहीं है। अब आप लोग सोचना 50-60 लोगों में कितने लोगों का, 1 लोगों का सिलेक्शन मतलब अगली बार जैसे हुआ था, क्योंकि अगली बार पेपर थोड़ा हार्ड बना दिया था इसलिए किसी का भी नहीं निकल पाया था। तो ये नहीं सोचना ना कि भाई जैसे मैं सबसे कमज़ोर दुनिया में मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आता है, आपके भी दिमाग में आता होगा, और जिस भाई का सिलेक्शन हो गया है ना उसके भी दिमाग में आता होगा, कभी ना कभी तो आता होगा, जब वो प्रैक्टिस किया होगा, पढ़ा होगा, कुछ टाइम दिया होगा, तभी ना उसका सिलेक्शन हुआ होगा। अब भाई 1 दिन में 2 दिन में या 10 दिन में या 1 साल में मतलब हमें नहीं लगता है कि सिलेक्शन कोई जल्दी ले लेगा। जो मतलब शुरू से ही जिसका मतलब सब कुछ जैसे बढ़िया रहेगा वही 1-2 साल में सिलेक्शन ले पाएगा भाई, नहीं तो कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। तो आप लोगों को अपने दिमाग में निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, ठीक है ना। और दूसरे का बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है, जब मैं मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो शुरू में गालियाँ सुनने को मिलती है, और जब मैं उसमें थोड़ा बहुत कामयाबी हासिल कर लेता हूँ ना, तो जो गालियाँ बकते हैं सब वही आकर हाथ मिलाते हैं, सब वही आकर बोलते हैं यार तू तो कमाल कर दिया, तेरा तो नाम है, ऐसे है वैसे है। तो दुनिया के बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब आप लोग अपना तैयारी में लग जाओ, सही रहेगा। जय हिंद।